हेलो स्टूडेंट्स, डाउट हट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 को। आठवां भाग है साइन ए जमा कोसिकेंट ए का वर्ग जमा कोस ए जमा सिकेंट ए का वर्ग बराबर होगा 7 जमा टेंजेंट ए का वर्ग जमा कोट ए का वर्ग। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, ए जमा बी का वर्ग बराबर होगा ए का वर्ग जमा बी का वर्ग जमा 2ab। ए का वर्ग साइन ए का वर्ग जमा बी वर्ग कोसिकेंट ए का वर्ग जमा 2 गुणा साइन ए कोसिकेंट ए। इसी प्रकार सूत्र यहाँ लगाएंगे, ए जमा बी का वर्ग, ए का वर्ग यानी कोस ए का वर्ग जमा सिकेंट ए का वर्ग जमा 2 गुणा ए बी कोस ए गुणा सिकेंट ए। साइन ए का वर्ग, इसको इधर ले आते हैं, कोस ए का वर्ग जमा कोसिकेंट ए का वर्ग, इसको यहाँ पर ले आते हैं इधर सिकेंट स्क्वेयर ए को, जमा सिकेंट ए का वर्ग जमा 2 गुणा साइन ए गुणा है कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए को लिख सकते हैं 1/ साइन ए जमा 2 कोस ए गुणा सिकेंट ए। सिकेंट ए को ले सकते हैं 1/ कोस ए, क्योंकि सिकेंट और कोस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी प्रकार साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के विपरीत हैं, बराबर साइन ए का वर्ग जमा कोस ए का वर्ग जमा कोसिकेंट ए का वर्ग जमा सिकेंट ए का वर्ग जमा साइन ए से साइन ए कट जाएगा, यह आएगा हमारे पास 2 जमा कोस ए से कोस ए कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2। अब साइन ए का वर्ग जमा कोस ए का वर्ग ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब यहाँ से 2 जमा 2 4, अब हमारे पास बच गया कोसिकेंट ए का वर्ग जमा सिकेंट ए का वर्ग। हमें अभी लेके आना है यहाँ पर 7, 4 और 1 5, 5 हमारे पास है, 2 और चाहिए हमें अभी, इसको बदलेंगे हम। कोसिकेंट ए का वर्ग इसको हम ले सकते हैं 1 जमा कोट ए का वर्ग जमा सिकेंट ए का वर्ग, इसको ले सकते हैं 1 जमा टेंजेंट ए का वर्ग। सूत्र हमारे पास है कोशिकेंट ए का वर्ग घटा कोट ए का वर्ग बराबर 1। यहाँ से हमारे पास कोशिकेंट ए का वर्ग हो जाएगा 1 जमा कोट ए का वर्ग। इसी प्रकार सिकेंट ए का वर्ग घटा टेंजेंट ए का वर्ग बराबर होता है 1। यहाँ से हमारे पास सिकेंट ए का वर्ग हो जाएगा 1 जमा टेंजेंट ए का वर्ग। तो हमने इन सूत्र का प्रयोग किया यहाँ पर, तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा 1 और 4 5, 1 और 1 2 जमा कोट ए का वर्ग जमा टेंजेंट ए का वर्ग, 5 और 2 7 जमा टेंजेंट ए का वर्ग जमा कोट ए का वर्ग, और यही हमारी राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो जाएगा, यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। 9वां भाग करते हैं, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए गुणा सिकेंट ए माइनस कोस ए बराबर होगा 1/ टेंजेंट ए जमा कोट ए। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, कोसिकेंट ए को लिखेंगे 1/ साइन ए घटा साइन ए, सिकेंट ए को लिखेंगे 1/
कोस ए माइनस कोस ए। लघुत्तम लेंगे यहाँ पर, लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा साइन ए, ऊपर आएगा एक घटा, भाग देंगे एक से, साइन ए की गुणा साइन ए से, साइन ए का वर्ग गुणा लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा कोस ए, ऊपर आएगा एक घटा कोस ए का वर्ग। इसके नीचे एक लिख सकते हैं हम, यहाँ पर भी एक, भाग देंगे कोस ए को एक से, कोस ए पे जाएगा उसकी गुणा ऊपर वाले कोस ए से, कोस ए का वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पर किया हमने, एक घटा साइन ए का वर्ग, ये हो जाएगा हमारे पास कोस ए का वर्ग बटे साइन ए गुणा एक घटा कोस ए का वर्ग, ये हो जाएगा साइन ए का वर्ग बटे कोस ए। सूत्र लगाया हमने, साइन ए का वर्ग जमा कोस ए का वर्ग बराबर एक। इस सूत्र से यहाँ पर एक घटा साइन ए का वर्ग हो जाएगा कोस ए का वर्ग, और एक घटा कोस ए का वर्ग हो जाएगा साइन ए का वर्ग बराबर कोस ए का वर्ग। इसको ले सकते हैं हम कोस ए गुणा कोस ए बटे साइन ए। इधर हमारे पास है साइन ए का वर्ग, इसको लिखेंगे साइन ए गुणा साइन ए दो बार बटे कोस ए। अब यहाँ पर साइन ए से ये साइन कट जाएगा, कोस ए से ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा कोस ए गुणा साइन ए। ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन ए गुणा कोस ए। अब हम लेके आना है एक बटा टेंजेंट ए जमा कोट ए। अब साइन और कोस ए को हम नहीं बदल सकते, तब क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड को भी हम अगर कोस ए गुणा साइन ए के बराबर लेके आ गए तो हमारे दोनों साइड क्या हो जाएंगी बराबर। राइट हैंड साइड में है एक बटा टेंजेंट ए जमा कोट ए, यहाँ से हो जाएगा एक बटा टेंजेंट ए को लिखेंगे हम साइन ए बटा कोस ए, क्योंकि हमें लेके आना है साइन और कोस ए की फॉर्म में, तो यहाँ पर टेंजेंट को बदल लेंगे साइन ए बटे कोस ए, और कोट को बदल लेंगे कोस ए बटे साइन ए। हमें ध्यान में ये रखना कि हमें लेके क्या आना है बराबर एक बटे, यहाँ पर लघुत्तम आ जाएगा साइन ए गुणा कोस ए। नीचे हमने लघुत्तम लिया, भाग देंगे कोस ए से, साइन ए बचेगा गुणा साइन ए का वर्ग जमा साइन ए कोस ए को भाग देंगे साइन ए से, कोस ए बचेगा कोस ए की गुणा कोस ए से कोस ए का वर्ग। ये हमारे पास आगे हो जाएगा, ऊपर है एक बटे साइन ए का वर्ग जमा कोस ए का वर्ग, ये हो जाएगा एक के बराबर सूत्र से, इस सूत्र से बटे साइन ए गुणा कोस ए। ये हमारे पास पलट के ऊपर आ जाएगा साइन ए गुणा कोस ए, और यही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हम लेके चले थे, हमने इसको लाके छोड़ा था कोस ए गुणा साइन ए, और यही हमारी आ गई राइट हैंड साइड साइन ए गुणा कोस ए। तो बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो ये दोनों साइड बराबर सीधे हो जाएंगी। पांचवें प्रश्न का अंतिम भाग करते हैं, एक जमा टेंजेंट ए का वर्ग बटे एक जमा कोट ए का वर्ग बराबर होगा एक घटा टेंजेंट ए बटे एक घटा कोट ए का वर्ग बराबर टेंजेंट ए का वर्ग। यहाँ पर पहले हम इसको बराबर सिद्ध करेंगे टेंजेंट ए के वर्ग के, और फिर इसको बराबर सिद्ध करेंगे टेंजेंट ए का वर्ग, यानी कि पहले इसको इसके बराबर सिद्ध करेंगे, फिर इसको इसके बराबर सिद्ध करेंगे, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास तीनों क्या हो जाएंगी बराबर। तो पहले इसको लेके चलते हैं, बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको। अब देखिए हमारे पास सूत्र है सेकेंट ए का वर्ग माइनस
टेंजेंट ए का वर्ग बराबर होता है एक के, कोसिकेंट ए का वर्ग घटा कोट ए का वर्ग बराबर होता है एक के। तो यहाँ से हमारे पास एक जमा टेंजेंट ए का वर्ग हो जाएगा सिकेंट ए का वर्ग। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ से सिकेंट ए का वर्ग, सिकेंट ए का वर्ग बटे एक जमा कोट ए का वर्ग, ये हो जाएगा यहाँ से कोसिकेंट ए का वर्ग। आगे हल करेंगे इसको, सिकेंट ए का वर्ग इसको लिख सकते हैं हम एक बटा कोश ए का वर्ग, कोसिकेंट ए का वर्ग इसको लिख सकते हैं एक बटा साइन ए का वर्ग, क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसी प्रकार कोश ए और सिकेंट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा साइन, ऊपर आ जाएगा साइन ए का वर्ग बटे कोश ए का वर्ग, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा साइन ए बटे कोश ए, इस पूरे का वर्ग, दोनों का वर्ग है, इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब साइन ए बटे कोश ए क्या होता है, टेंजेंट ए और इसका वर्ग, तो ये हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, प्रूव हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे दोनों। अब इसको लेके चलेंगे, एक घटा टेंजेंट ए बटे एक घटा कोटे इसका वर्ग बराबर एक घटा टेंजेंट ए, इसको लिखेंगे हम एक घटा टेंजेंट ए को लिखेंगे साइन ए बटे कोस ए बटे एक घटा कोटे, कोटे को लिखेंगे कोस ए बटे साइन ए, पूरे का वर्ग बराबर ऊपर लघुत्तम लेंगे कोस ए, ऊपर आ जाएगा कोस ए घटा साइन ए बटे नीचे लघुत्तम आएगा साइन ए, ऊपर आ जाएगा साइन ए घटा कोस ए, हमने लघुत्तम लिया ऊपर और नीचे, ये आ जाएगा। आगे हल करेंगे इसको, ऊपर हमारे पास हो जाएगा कोस ए घटा साइन ए बटे कोस ए, ये पलट जाएगा ऊपर आके साइन ऊपर आ जाएगा साइन ए बटे हो जाएगा साइन ए घटा कोस ए, इस पूरे का वर्ग। हमारे पास मानो संख्या इस तरह से है एक्स बटे वाई बटे, फिर हमारे पास यहाँ पर है एक्स बटे वाई, तो ये क्या हो जाता है एक्स बटे वाई, ये पलट जाएगा वाई बटे एक्स, तो यहाँ पर वही किया हमने, इसको पलट दिया, ये साइन ए बटे साइन ए घटा कोस ए हो जाएगा। आगे हल करेंगे इसको, अब यहाँ पर ऊपर है कोस ए घटा साइन ए, नीचे साइन ए घटा कोस ए, हम ऊपर कॉमन ले लेते हैं घटा, यहाँ पर है कोस ए घटा साइन ए, नीचे साइन ए घटा कोस ए, हम ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर हम कॉमन लेंगे घटा, तो अंदर बचेगा साइन ए घटा कोस ए, निशाने बदल जाएंगे बटे, नीचे है कोस ए गुणा साइन ए, नीचे है फिर साइन ए घटा कोस ए इसका वर्ग। हमने क्या किया, सिर्फ ऊपर कोस ए घटा साइन ए में से घटा को बाहर कॉमन ले लिया बराबर। अब देखिए साइन ए घटा कोस ए और नीचे भी साइन ए घटा कोस ए कट जाएगा, ऊपर हमारे पास बचेगा घटा के साइन ए बटे कोस ए वर्ग, ये हो जाएगा हमारे पास घटा साइन ए बटे कोस ए टेंजेंट ए इसका वर्ग, और ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ए का वर्ग। क्योंकि बच्चों हमारे पास अगर कोई भी संख्या घटा में है उसका वर्ग जब हम करेंगे
तो वो क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। जैसे अगर मान लो आप यहाँ पर आपके पास है घटा एक्स का वर्ग, तो ये क्या आएगा, एक्स का वर्ग। घटा का जब वर्ग करेंगे हम तो वो जमा हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेंजेंट ए का वर्ग, और यही हमारी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी।